नूतन जी, आप स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। और लगातार हम देख रहे हैं, आपने एक मांग की है चिट्ठी लिखकर, और इसमें आपने कहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए इस पूरे प्रकरण की, जो कि कई सारे आयामों से अब जुड़ गया है, जिसमें अपने आप में मेरठ के जो एडीजी हैं वो जांच कर रहे हैं, 15 दिन का और उनको वक्त दे दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ आईपीएस जो एसोसिएशन है या आईपीएस जो लॉबी है, उसकी छवि खराब होने की बात भी सामने आ रही है। सबसे पहले तो मैम आप ये बताएं कि आपने मांग क्या की है, सीबीआई की जांच की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, मैंने जो जांच की मांग करी है वो मुख्य रूप से जिस तरह के एक वैभव कृष्ण जी ने जो एलिगेशंस लगाए हैं, जिसका उन्होंने हवाला दिया है कि मैंने 1 महीने पहले पत्र लिखा और उसमें 5 आईपीएस ऑफिसर्स के बारे में उन्होंने कहा और ट्रांसफर पोस्टिंग के धंधे की बात कही कि उस पर काफी पैसा चलता है। तो अगर ये बातें उन्होंने लिखी है और कही है तो अपने आप में काफी गंभीर मामला है, क्योंकि जो भी पुलिस अधिकारी पोस्ट होते हैं तो उनका सीधा सीधा सबका जनता से होता है, और अगर ट्रांसफर पोस्टिंग पैसे दे के होगी तो जाहिर तौर पे कोई अधिकारी अपने घर से पैसे नहीं देता है, सीधे उसकी उगाही फिर आम जनता से होगी और इससे पीड़ित आम जनता होती है। अगर उन्होंने जो आरोप लगाया है वो सही है तो निश्चित रूप से, क्योंकि जो अधिकारी हैं सारे अलग अलग जिले में पोस्टेड हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, तो उन एलिगेशंस की जांच कराई जानी चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने भी ये बात कहा है और लिख के दिया है और सरकारी कार्य के दौरान की बातें उन्होंने कही है, तो जाहिर तौर से उन एलिगेशंस की जांच सीबीआई से बेहतर और कोई एजेंसी नहीं कर पाएगी। जी नूतन जी, आप ये कह रही हैं साफ साफ, आपका जो बयान है जिसमें आपने कहा कि जो 5 आईपीएस अधिकारी जिनका जिक्र किया गया है, जिन पर आरोप लगे हैं, वो डीजीपी के करीबी हैं, इस ये आप कैसे कह रही हैं, और क्या आपको लगता है कि करीबी होने का एक फायदा जांच ना होने के तौर पर उनको मिल रहा है? देखिए, जो वैभव कृष्ण जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही उसमें उन्होंने ये कहा कि 1 महीने पहले ही उन्होंने पत्र भेजा था और इस चीज से अवगत कराया था, उसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उनके अनुसार उन्होंने जो बातें कही वो अपने आप में काफी गंभीर है। तो जाहिर तौर पे अगर इस तरह के सीरियस एलिगेशंस से अगर किसी प्रकार की कार्रवाई ना हुई तो बिना प्रभाव मंडल हुए हुए ये चीज संभव नहीं था। तो जाहिर तौर पे कि कहीं ना कहीं इन अधिकारियों की पहुंच भी डीजीपी साहब तक रही है, तभी एक जो उन्होंने कहा कि उन्होंने 1 महीने पहले इस तथ्यों से अवगत कराया था, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन नूतन जी, अमिताभ ठाकुर जो आईपीएस हैं, आपके पति भी हैं, उन्होंने कुछ देर पहले हमसे बातचीत की और उन्होंने हमें ये कहा कि जो 5 आईपीएस अफसर जिनका नाम लिया गया, दरअसल ये जो रूल्स हैं उनकी अवहेलना है और इनकी छवि जो है वो खराब हो रही है, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए थी, अब एसोसिएशन की, आईपीएस एसोसिएशन की बैठक बुलाने की मांग उन्होंने की है। इसकी प्रासंगिकता को, इसके रेलिवेंस को आप कैसे देखती हैं इस मुद्दे से? जैसे देखिए, चूंकि अब मेरे पति ने अभी क्या कहा है या क्या मांग की है मुझे उसकी जानकारी नहीं है। जाहिर तौर पे उस पैटर्निटी से आने के कारण उनको जो लगा होगा उन्होंने किया, लेकिन एक एक्टिविस्ट और अधिवक्ता के रूप में इतना कह सकती हूँ कि जो वैभव कृष्ण जी ने आईपीएस ऑफिसर्स के नाम लिए हैं, तो जाहिर तौर पे वो चीज सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल है, उसके रूल 17 का वायोलेशन है, क्योंकि वो विंडिकेशन ऑफ सर्विस में आता कि अगर आपने कुछ दिया है और आप पे कोई आरोप लगे हैं तो आप उसको सीधे सीधे नहीं कह सकते हैं, आपको उसको शासन को अवगत कराना था, उसको सीधे मीडिया में नहीं कह सकते हैं। तो जाहिर तौर पे अगर स्ट्रिक्टली देखा जाए तो ये सर्विस रूल का वायलेशन वैभव कृष्ण जी की तरफ से मीडिया को ये बातें सार्वजनिक करके किया गया है। तो आपको लगता है ये एक पॉइंट है, ये एक मुद्दा है जिस पर वैभव कृष्ण जरूर बैकफुट पर गए हैं, मामला चाहे जो कुछ हो, लेकिन उनको इस तरह से नाम सार्वजनिक नहीं करने चाहिए थे? जैसे देखिए, अब ये चूंकि जो चीजें हैं, जो एलिगेशंस हैं, वो अपने आप में बहुत सीरियस इसलिए भी हैं कि जो उन्होंने एलिज किया कि उनका कथित जो वीडियो सोशल मीडिया पे आया जी, और उस पे उन्होंने कहा कि ये साजिश के तहत किया गया और साजिश में भी उन्होंने कुछ अधिकारियों के नाम बताए हैं, तो जाहिर तौर पे अगर वो साजिश की गई है तो भी वो अपने आप में गंभीर मामला है, और अगर साजिश नहीं है, केवल अपने बचाव में वैभव जी ने इस तरह का आरोप लगाया है, तो भी गंभीर मामला है। तो किसी भी स्थिति में ये जो प्रकरण सामने आया उसकी जांच कराई जानी चाहिए।
जी, अब जब खुद मुख्यमंत्री नूतन जी इस पूरे मामले को देख रहे हैं, अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी से उन्होंने गोपनीय रिपोर्ट मांगी है, तो आपको लगता है तब भी इसकी आवश्यकता है? पहले मुख्यमंत्री स्तर पर इसको देख लेना आवश्यक है, उसके बाद आगे की प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाए? देखिए, चूंकि मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, जो भी निर्णय लेना उनका काम है, लेकिन जो चीजें आई हैं और सामने आई हैं वो आरोप अपने आप में काफी गंभीर आरोप हैं जी, जिनकी भी बात कही हो, क्योंकि उन अधिकारियों के भी अपने वर्जन है, वो भी अपनी बात कह रहे हैं और इन्होंने भी अपनी बात कही है। इन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो बहुत गंभीर अपने आप में है, तो जाहिर तौर पर उन आरोपों की जांच होनी चाहिए और जो पक्ष सही गलत है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो एक तरह से हम कहें कि इन्वेस्टिगेशन जो है, अगर हम इसको दूसरे नजरिए से देखें, एक तरह का ये डेडलॉक भी है। जब तक इस पूरे मामले का जब तक कोई निष्कर्ष या कोई जांच रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती और ये पता नहीं चल जाता कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत है, कौन दोषी है, तब तक आपको लगता है कि एक माहौल बन गया है जिसमें प्रशासनिक अमला ही कटघरे में आ गया है और एक जो भरोसा है उसके संकट की एक स्थिति पैदा हो गई है सूबे के अंदर IPS से जुड़ी हुई? देखिए, चूंकि ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे की बात आम जनता के बीच में भी रहती है और ये कई बार चर्चा का विषय भी होता है, लेकिन कोई IPS अधिकारी इस बात को कहे तो वो अपने आप में, और खास करके जब उन्होंने शिकायत की हो इसी तरह की, तो वो अपने आप में एक गंभीर प्रकरण होता है जी। तो जाहिर तौर पे चूंकि बाहर जो नहीं है वो कह रहा हो, और जब उन्होंने कहा तो वो भी जो अपने पत्र में बात कह रहे हैं उनका कहना है कि उन्होंने कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और जांच के दौरान ये फैक्ट सामने आए जिसके एविडेंसेस मिले। तो जाहिर तौर पे अगर ये बातें सही है जो उन्होंने मीडिया में कही है तो अपने आप में गंभीर है, और साथ ही जो उन्होंने ये कहा कि वो वीडियो सही नहीं है और उनको फंसाने के लिए फ्रेम किया गया है जी। अगर तो वीडियो सही नहीं है, है उसकी FSL से जांच कराई जा सकती है बिल्कुल, और अगर उनकी बात सही है कि उनको वो वीडियो उनका नहीं है, मॉस्ट वीडियो है और फंसाने की साजिश की गई है जिसके लिए उन्होंने कहा कि उन्होंने FIR भी दर्ज कराई है जी। तो जाहिर तौर पर अगर FIR लॉज है तो इस पूरे प्रकरण को इकट्ठा देख के CBI से जांच कराए जाने में कोई कहीं अड़चन भी नहीं दिखती है। चलिए, आप कह रहे हैं कि जिसके जितने भी डायमेंशंस हैं उन सबको एक छत के नीचे, यानी कि एक CBI जांच एजेंसी उसके अधीन ला करके जांच होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया नूतन जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए।